नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि पांडे हूँ, एक होम्योपैथिक डॉक्टर। मैंने आपको होम्योपैथिक दवा थायराइडिनम के किशोरावस्था में उपयोग की सामान्य जानकारी पिछले वीडियो में दी थी। प्रस्तुत वीडियो में मैं किशोरियों की परिवर्तित मानसिक स्थिति और शारीरिक समस्याओं का वर्णन करूंगी और इन्हें ठीक करने के लिए थायराइडिनम दवा का उपयोग क्यों करें यह बताऊंगी। वह लड़की जो संतुष्ट और शांत रहती थी, मीनार्क के बाद प्यूबर्टी में यौवनावस्था में हर महीने होने वाले रक्तस्राव के कुछ पहले और रक्तस्राव के समय, प्रेगनेंसी के समय, प्रसव के बाद और मेनोपॉज के समय और उसके बाद तरह तरह के मानसिक विकार और शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त मिलती हैं, वह भी हार्मोन के प्रभाव से जिसमें हर सिस्टम अफेक्ट होता है। अतः इस हार्मोनल मैल एडजस्टमेंट के कारण यहाँ पर थायराइडिनम दवा का प्रयोग किया जाता है। हम पाते हैं कि लगभग सभी किशोरियों में इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ेपन का लक्षण मिलता है। अधिकांश केसेस में गुस्सैल स्वभाव मिलता है। कुछ में टेम्पर टेंट्रम शुरू हो जाते हैं, नखरे दिखाना शुरू हो जाता है, अपनी जरूरतों या इच्छाओं को पूरा करने के लिए दबाव डालना। ऐसी युवतियाँ अपनी बात स्पष्ट नहीं कह पाती तो वे जिद पकड़कर अड़ जाती हैं, अपनी झुंझलाहट को भावनात्मक तरीका अपनाकर प्रकट करती हैं। इन बदली हुई अवस्थाओं में मूड स्विंग का लक्षण दिखाई पड़ता है, मूड का अप एंड डाउन का लक्षण दिखता है। मतलब खुशी और संतोष से लेकर क्रोध, चिड़चिड़ापन और यहाँ तक कि अवसाद की भी भावनाएं बड़ी तेजी से, तीव्रता से उतरती हैं, चढ़ती हैं रोलर कोस्टर की भांति। कई बार वे विम्सिकल अर्थात सनकी हो जाती हैं, उनमें हिस्टीरिया के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। हिस्टीरिया को आजकल हिस्टीरिया नहीं कहा जाता, उसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। एक तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें अपनी भावनाओं को, तीव्र भावनाओं को संभाल नहीं पाना और उसको बहुत विकट रूप में प्रकट करना होता है। यह एक साइकोन्यूरोसिस है। यह किसी भी ऑर्गन की पैथोलॉजी या स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। युवतियों में सिर दर्द रहना और सिर दर्द के साथ चेहरा लाल हो जाना इसमें दिखाई पड़ता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण आम मिलते हैं, जिसमें मन परेशान रहता है, चिंतित रहता है और चिड़चिड़ापन महसूस होता है, थकान रहती है और सोने में भी परेशानी होती है, उदर भाग में सूजन रह सकती है और पेट में दर्द होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, स्तन में मृदुता पाई जाती है, सिर में दर्द और त्वचा में धब्बे भी मिलते हैं, बाल तैलीय हो जाते हैं, भूख और सेक्स ड्राइव में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। थायराइडिनम का प्रभाव मासिक धर्म चक्र से जुड़ी व्यापक मानसिक अनियमितताओं, मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज, उसकी क्रिया प्रणाली की गड़बड़ी, फंक्शनल ट्रबल या अंगों संबंधी समस्याएं, ऑर्गेनिक ट्रबल्स के क्षेत्र की कमियों को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। यौवनावस्था की वे सारी समस्याएं जो हर पीरियड्स के दौरान प्रकट हो जाती हों या अधिक बढ़ जाती हों, उनका पूर्ण रूपेण उपचार थायराइडिनम से हो जाता है। युवतियों में मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न पागलपन के इलाज में थायराइडिनम बढ़िया परिणाम देती है। जब हमेशा ही असामान्य तौर से प्रत्येक मासिक धर्म में समस्याएँ बढ़ जाती हों तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की लेडी, शारीरिक संरचना की लेडी, मोटी या पतली जैसी भी है, उसको थायराइडिनम देना फायदेमंद रहता है। पीरियड्स के दौरान बुखार ना रहने पर जब विभिन्न प्रकार की वेसोमोटर परेशानियां दिखाई पड़ने लगी हो तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए थायराइडिनम 30 या उससे ऊंची शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और इससे आशातीत लाभ मिलता है। मैं यहाँ डॉक्टर एसके घोष के केस की चर्चा करना चाहूँगी, जिसे उन्होंने क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद सम रेयर नोजोट्स में वर्णित किया है। उनके मुताबिक एक लड़की जिसे बुखार नहीं रहता था, परंतु हर मासिक श्राव के समय हड्डी के जोड़ों में दर्द और सूजन आ जाती थी। उसकी यह हिस्ट्री पुरानी थी क्योंकि पहले भी मासिक धर्म के समय यह समस्या आती थी। थायराइडिनम 30 दिन में दो बार देने पर 24 घंटे में ही उसके सारे लक्षण समाप्त हो गए और अगले पीरियड में उसके वैसे लक्षण प्रकट नहीं हुए और अगला मासिक श्राव भी अच्छे से आने लगा। बहुमुखी क्रियाशील थायराइडिनम मासिक धर्म को, मासिक श्रावों को रेगुलेट करने में सिद्धि प्राप्त है।
इसका रक्त स्राव को नियंत्रित करने का काम है। जहां पर एंडोक्राइनल एडजस्टमेंट ना हो रहा हो और क्रूड हार्मोन्स देने पर वे सिर्फ पैलिएटिव की तरह काम करते हो, पूर्ण इलाज नहीं होता, अनियमित या बहुत कम मेंसेस होते हो, यही नहीं यदि दर्द होता हो, डिसमेनोरिया के भी सिम्टम हो, तो यह दवा काफ़ी हद तक इनको दूर कर देती है। मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया के केसेस में तेजी से अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में जब इंडिकेटेड मेडिसिन इंगित दवा उतना प्रभावी असर ना दिखा पा रही हो तब इसे रिएक्टिव रेमेडी जैसे देते हैं। परंतु इसका कार्यक्षेत्र वहाँ पर है जहाँ लगातार अनयूजुअल ब्लीडिंग लंबे समय तक हो रही हो या फिर रुक गई हो या फिर फिट जैसे अचानक शुरू होती हो और अचानक बंद हो जाती हो। रक्तस्राव होने के साथ या इंटरमेस्ट्रुअल पीरियड में वेसोमोटर तंत्रिकीय डिस्टरबेंसेस होने पर यह बेहतर काम करती है। महिलाओं में हाइपरपिट्यूटरीज़म के कारण होने वाले एमेन्यूरिया में यह बहुत अच्छा काम करती है। इससे अच्छी कोई दूसरी दवा नहीं है। यहाँ पर थायराइडिनम 3x टाइचुरेशन में या इससे कम पोटेंसी में ही दी जाती है। जब इंडिकेटेड मेडिसिन अपना काम ना कर पा रही हों तो होम्योपैथिक ट्यूबरकुलिनम को हाई पोटेंसी में देने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं, परंतु रोगी सोरिक टेंडेंसी सोरिक मियाज्म का होना चाहिए। कम में कहा जाए तो थायराइडिनम के बारे में तब सोचें जबकि मासिक अनियमितताएं बनी रहती हैं और इंडिकेटेड रेमेडीज अपना काम नहीं कर पा रही हैं। तब जब मासिक स्राव बहुत अधिक हो रहा हो और लंबे समय से हो रहा हो तब उच्च शक्ति की थायराइडिनम देने पर मासिक स्राव नियंत्रित हो जाता है। वहीं पर निम्न शक्ति जैसे 3x ट्रैचुरेशन तब अच्छा काम करती है जब मासिक स्राव कम हो रहा हो या बंद हो गया हो। इसी संक्षिप्त जानकारी के साथ अब मैं यह वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए थायराइडिनम उपयोगी है इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएँ। धन्यवाद।